YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर जो कि आपको इस गिरावट में बाय करना चाहिए। ये इतना सॉलिड शेयर है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा और ये स्टॉक्स मैं भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ, आपको भी ये स्टॉक्स ऐड करना चाहिए। तो ये स्टॉक्स है बर्जर पेंट। देखिए काफी बेहतरीन शेयर है, मार्केट कैप की बात करें 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है और वहीं सेकेंड लीडर कंपनी है पेंट सेक्टर में। देखिए ये सेक्टर ही पूरा का पूरा कहे तो मल्टी बैगर है। एशियन पेंट, बर्जर पेंट पहले भी काफी बड़ी मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले कुछ समय में रिटर्न के मामले में बात करें तो बर्जर पेंट काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है। यहाँ पर देखिए बर्जर पेंट इंडिया इज engaged in manufacturing and selling of paints और जो second largest paint company है after Asian Paint in India। तो इस तरह से company जो है काफी बेहतरीन presence रखती है और यहाँ पर paint segment जो इसका contribute करता है 80% revenue में। वही बात करें dividend का तो dividend भी अच्छा खासा है 0.39% का और return on equity काफी बेहतरीन है, return on capital employed भी काफी बेहतरीन है। मुख्य रूप से हमें रिटर्न ऑन इक्विटी देखना रहता है जो कि काफी बेहतरीन 20% से भी एबव है। प्रमोटर्स होल्डिंग 75%, जितना मैक्सिमम प्रमोटर्स के पास हो सकता है उतना शेयर्स है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी काफी कम है, मात्र 0.232 का डेट इक्विटी है, काफी कम है। टोटल डेट की बात करें 1,100 करोड़ का है जबकि रिजर्व देखिए अच्छा खासा है कंपनी के पास। वही बात करें कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है तो टॉप लाइन ग्रोथ देखिए सेल्स ग्रोथ अच्छा रहा है, 2010 में मात्र 1800 करोड़ का था जबकि यहाँ देखिए 2021 में बढ़ करके 6,800 करोड़ हो चुका है, तो काफी बेहतरीन जंप है यहाँ टॉप लाइन ग्रोथ में। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ 150 करोड़ के आसपास था 2010-11 में जबकि वो हो चुका है 720 करोड़ का 2021 में थे। बॉटम लाइन ग्रोथ तो और काफी जबरदस्त है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास शेयर कैपिटल 97 करोड़ का है जबकि रिजर्व लगातार बढ़ा है। डेट जो है कंपनी डेट भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है लेकिन वो अभी भी काफी कम डेट है कंपनी के ऊपर, इतना आसानी से पे कर सकती है। कैश फ्लो की बात करें देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी का जो कैश फ्लो है लगातार पॉजिटिव रहा है जो कि बेहतरीन साई है और नेट कैश फ्लो भी कंपनी का ओवरऑल पॉजिटिव रहा है। हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन दिख रही है। इन्वेस्टर सेक्शन में पहले ही बात किया, प्रमोटर के पास अच्छा स्टेक है, फिर एफआई के पास इसके पास भी 10% से ज्यादा का स्टेक है। डीएच के स्टेक काफी कम है, यहाँ पर देखिए 3% तो डीएच का स्टेक कम हुआ है, पब्लिक का स्टेक थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है, मतलब एफआईज काफी बुलिश है और प्रमोटर्स के पास तो मैक्सिमम स्टेक है ही। ओवरऑल काफी बेहतरीन स्टॉक्स है और इस स्टॉक्स को बाय करने की सलाह अभी मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो देखिए ट्रेंड लाइन काफी जबरदस्त बनाया है, इस ट्रेंड लाइन के पास जाता है और स्टॉक्स यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाता है, या तो आप गिरावट में बाय करें। बाय ऑन डिप है ये स्टॉक्स, काफी फंडामेंटली सॉलिड है और काफी मल्टी बैगर रिटर्न भी दिया और आगे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो या तो आप यहाँ पर बाय ऑन डिप करें, हर गिरावट पे बाय करें, मार्केट में जैसे गिरावट होता है मार्केट के साथ जब भी गिरावट होगा, क्योंकि मार्केट जो है स्टॉक मार्केट में सब चीज को डिस्काउंट कर देती है, जो भी स्टॉक्स महंगे प्राइस में मिल रहा है अच्छे स्टॉक्स मिल रहे वो आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, या यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है तब तो बिल्कुल आपको छोड़ना ही नहीं, क्योंकि एक बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया दोबारा इस प्राइस पे आपको स्टॉक हो सकता है ना मिले। तो ऐसे बेहतरीन सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स कब बाय करने हम आपको बताते रहते हैं। देखिए अभी काफी बेहतरीन है ये रेसिस्टेंस वाले ट्रेंड लाइन है जिसको इस स्टॉक्स ने बनाया है, जब जब यहाँ पर जाता है देखिए 3 times हो चुका है, यहाँ पर रिजेक्ट होकर के वापस आ जाता है, यहाँ से हो सकता है ये रिजेक्ट हो या यहाँ से थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पर जो है रिजेक्शन दिखाए फिर से ये ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा सा रिजेक्शन देने के बाद नीचे आएगा तो जो वीक हैंड है जो कमजोर हाथों में शेयर्स है वो सेल करके निकल जाएंगे, तब यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर ये काफी जबरदस्त तेज दिखाएगा और सबसे पहले ये आएगा 870 रुपीज के आसपास जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। यहाँ पर थोड़ा बहुत हो सकता है यहाँ पर ब्रेक करे अपना मूवमेंटम को और फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर आगे की और मूवमेंटम दिखाए, तो ये जो टारगेट अचीव होगा ये आपको शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, ये शॉर्ट टर्म में शेयर्स हो सकता है यहाँ ऊपर जाए फिर वापस थोड़ा सा गिरे फिर ऊपर जाए, तो कुछ इस तरह से मूवमेंटम होगा। काफी जबरदस्त शेयर है, देखिए वीकली चार्ट को देखते हैं तो देखिए स्टॉक्स का जो मूवमेंट है पिछले 10 से 20 सालों में
देखिए यहाँ स्टॉक्स जो चला है कभी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है, तो ये जो लो बनाया पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, तो फिर देखिए यहाँ जो लो बनाया ये पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, फिर देखिए ये जो लो बनाया पिछले किसी भी लो को ब्रेक नहीं किया, तो ये इतना सॉलिड चार्ट है, ये आपको पोर्टफोलियो में एक जो है स्ट्रांगनेस देगा, साथ ही साथ कंसिस्टेंस ग्रोथ देगा। तो काफी बेहतरीन शेयर है, देख सकते हैं कभी भी अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया है, ये वीकली चार्ट है। तो पिछले देखिए 2009-8 का जो गिरावट था उसके बाद इस स्टॉक्स का मोमेंटम आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ चार्ट पे, कभी भी स्टॉक्स ने अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स में आपको निश्चित रूप से निवेश करना चाहिए, निश्चित रूप से आप लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न आप यहां से ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।